हाय गाइस, तो हम काल भैरव बाबा जी के मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गर्मी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो राउंड राउंड जो घूमते हैं मंदिर पे, वो कम से कम 9 या 10 राउंड था। और इतनी ज़्यादा धूप थी, नीचे कारपेट भी नहीं बिछा हुआ था। और जो ग्रीन कलर का आप ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, वो भी कहीं कहीं पे लगा हुआ था और कहीं कहीं पे नहीं लगा हुआ था। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि महाकाल जी का जो टेंपल है, वहाँ से काल भैरव जी का जो टेंपल है, वो लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हमने ऑटो वाले को दिया हुआ था 250 रुपीज़, वो 300 मांग रहे थे, बट हमने 250 दिया। और अगर आप लोगों को पूरा उज्जैन दर्शन करना होता है तो वो 500 to 600 लेते हैं, जिसमें आप लोगों को उज्जैन दर्शन करा देंगे। तो गाइज़, आप देख ही सकते हैं कि हमारे सामने कितने सारे लोग हैं, मीन्स कितनी ज़्यादा भीड़ है। आपने सामने की भीड़ तो देख ही ली है, अब आपको अब हमारे पीछे की भीड़ दिखाती हूँ। तो आप देख लीजिए कितने सारे लोग हैं। एंड फाइनली गाइज, हमने काल भैरव जी का दर्शन कर लिया और हम आ गए महाकाल जी के टेंपल के पास वापस। तो हमने कूपन लिया हुआ था, और कूपन किस चीज़ का लिया हुआ था ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोग सीडी गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सीडी में फ्री में भोजन की व्यवस्था होती है। तो हमें पता चला कि ये वाली जो व्यवस्था है वो उज्जैन में भी स्टार्ट हो गई है। तो हम पहले से ही डिसाइड करके आए थे कि हम एक टाइम का खाना तो यहाँ पर ज़रूर खाएंगे। तो गाइस, अब आ गए हैं हम रूम पे। हम काल भैरव जी के दर्शन करके आ गए हैं और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। और काल भैरव जी के मंदिर पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मीन्स राउंड ही 10 राउंड थे। उसके बाद भी ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है ना कि भीड़ तो देखो हर मंदिर पे होती है, बट आप इतने मेहनत से धूप में खड़े हो के, आप इतने घंटे तक के लाइन लगाने के बाद आप दर्शन करने जाते हो और जस्ट आप जाते हो वैसे ही आपको इसे धक्का मार मार के हटा देते हैं, हो गया दर्शन, दर्शन ठीक से भी नहीं हो पाता है। तो हर मंदिर में कम से कम थोड़ा सा दर्शन करने के लिए तो रुकने देना चाहिए। तो महाकाल जी के मंदिर से ज़्यादा मुझे काल भैरव जी के मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगी। और यहाँ पर तो धूप में खड़े होते तो पूरी कारपेट बिछी हुई होती है, बट वहाँ पे पैर इतना जला कि मैं बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा धूप थी। तो गाइस, बस अब मैं चेंज करती हूँ, हार्ट मूड होती हूँ और फिर हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, देन फिर मैं आप लोगों से शाम को मिलूँगी। बाय गाइस। हाय गाइस, तो हो चुकी है शाम और मैं फिर से रेडी हो चुकी हूँ। रूम से बाहर निकलने के बाद हमने खाया डोसा, क्योंकि हमें बाहर निकल के सिर्फ डोसा ही खाना अच्छा लगता है और यहाँ का डोसा बहुत टेस्टी था। उसके बाद पिया हमने सोडा। फिर चले गए हम बड़े गणेश जी और हरसिद्धि माता जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक बात तो बताना ही भूल गई, मैं आप लोगों को कूपन के बारे में बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को भी उज्जैन जाना है और आप लोगों को फ्री भोजन का कूपन लेना है, तो जब भी हम महाकाल जी के मंदिर जाते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे लड्डू वाला काउंटर होता है, उसके ही जस्ट बाजू में लिखा हुआ है अन्नदान काउंटर। अन्नदान वाले काउंटर से ही आपको फ्री में कूपन मिल जाएगा। और कूपन लेने का भी टाइमिंग होता है, कूपन लेने का टाइमिंग है सुबह 10 से 12 बजे तक का। फिर 12 बजे के बाद आप कभी भी भोजन कर सकते हैं वहाँ जाकर। और शाम का टाइमिंग है 4 से 6 बजे तक का। फिर आप 6 बजे से 9 बजे तक के कभी भी जाके भोजन कर सकते हैं। और मैं आप लोगों का एड्रेस बता देती हूँ कि जहाँ से महाकाल जी के मंदिर में जाने की एंट्री है और बाजू में महाकाल लोक में जाने की एंट्री है, तो आपको महाकाल लोक में जाकर पूरा एंड तक के जाना है। और वहाँ पर गाड़ियों की जो पार्किंग होती है, पार्किंग के पास आपको जाना है, देन आपको वहाँ पे मिल जाएगा अग्रवाल भवन और वहीं से आप अपना भोजन कर सकते हैं।